Journalists are often the first to reach the front line. For those reporting from the troubled northwest borders of Pakistan, knowing the basics of first aid could save lives in an emergency. दुनिया का सबसे यानी आजकल जो दुनिया का सबसे डेंजर और खतरनाक इलाका है वो फाटा है जैसे वजीरिस्तान तो उसमें साफ़त करना जरा मुश्किल है. ICRC invited journalists to come to Peshawar for 3 days basic training. फर्स्ट एड में हम इनको ये बताते हैं कि कैसे आप किसी की जान बचा सकते हैं. उसी वक्त सेकंड्स के अंदर अंदर वो इंसान कैजुअलिटी फ्रैक्चर से नहीं मरेंगे ना ही वो ब्लीडिंग से मरेंगे. ठीक है, लेकिन वो मरती है एयरवे से मरती है. एयरवे बंद हो जाए जब वो बेहोश होती है तो हम उनको ये बताते हैं कि कैसे एक कैजुअलिटी जब बेहोश हो तो आप कैसे उसको एयरवे को संभालेंगे ताकि वो उसी वक्त ऑन द स्पॉट मरने से बच जाएँ. इसके अलावा इनको हम ड्रेसिंग के मुख्तलिफ तरीके सिखाते हैं तो कैसे आप मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल से आप ड्रेसिंग्स बना सकते हैं. आपके पास स्प्लिंट ना हो तो कैसे आप फॉर एग्जांपल अखबार से कॉमन चीज़ है रिसाले से स्प्लिंट बनाएंगे. The training is also an opportunity for journalists to do what they do best, put some tough questions to the ICRC. बाकी इस तरह ट्रेनिंगों से जो हम ICRC देते हैं तो इस तरह ट्रेनिंग से हमें इंतहाई ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है क्योंकि तो हमें यह मालूम होगा कि अगर हमारा साथी कोई ज़ख्मी हो जाए या उसके साथ कोई हादसा पेश आ जाए तो हमें फर्स्ट क्या करना होगा और उसकी ज़िंदगी को हम किस तरह बचाते हैं. जी अगर एक साफ़ी की ज़िंदगी नहीं एक आम शहरी की ज़िंदगी भी यही लोग बचा सकते हैं क्योंकि वहाँ इन लोगों को फर्स्ट एड का कोई तो इलम नहीं है. इस तरह ट्रेनिंगों से कबायली इलाकों में साफियों के देना और साफियों से उन लोगों को जो वहाँ को नुकसान होता है या इस तरह ज़ख्मी हो जाता है तो मेरे ख्याल में इस तरह ट्रेनिंगों से इंतहाई फ़ायदा होगा लोगों को. जी